हेलो दोस्तों, मैं बिनु कुमार आप लोग के लिए आज एक बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें है किसी भी प्रोग्राम को शॉर्टकट की से कैसे ओपन करेंगे। जी हां, आप सही सुन रहे, किसी भी प्रोग्राम को हम शॉर्टकट की से कैसे ओपन करेंगे। ठीक है, आप कोई भी विंडो यूज करें, विंडो 7 यूज करें, विंडो 10 यूज करें, विंडो 11 यूज करें, ये मेथड आपको सभी विंडोज पे एक समान वर्क होने वाला है। ठीक है ना, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और नए मेथड का क्या कीजिए, अपने कंप्यूटर में क्या कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक करें। दोस्तों, मैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे आ चुका हूं और आज की वीडियो में ये जानेंगे कि किसी भी प्रोग्राम को हम शॉर्टकट की से कैसे ओपन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इसी के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। तो चलिए क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं कि आप कोई प्रोग्राम को स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसको शॉर्टकट की से कैसे लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करें, मुझे स्टार्ट बटन पर जाना होगा और जिस प्रोग्राम को आप ओपन करना चाहते हैं उस पर क्या करना, राइट क्लिक करना होगा और उसके बाद क्या करना होगा, हमें प्रॉपर्टीज पर जाकर क्या क्लिक करना होगा। तो यहाँ देख रहे हैं हमारा शॉर्टकट की दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, तो शॉर्टकट की जो आप देना चाहते हैं इसमें क्या कर सकते हैं, आप दे सकते हैं। पर एक माइंड में थोड़ा सा ध्यान बात रखिएगा कि आप जो भी शॉर्टकट की दे सकते हैं केवल वन करेक्टर आप दे सकते हैं। अगर अल्फाबेट दे रहे हैं तो केवल वन डिजिट दे सकते हैं, अगर आप नंबर दे रहे हैं तो केवल वन डिजिट दे सकते हैं, आप पूरा नाम यहाँ टाइप नहीं कर पाइएगा। ठीक है ना, ये चीज़ माइंड में ध्यान रखिएगा। और एक बात और ध्यान में रखिएगा कि आप जो प्रोग्राम को आप शॉर्टकट की कमांड आप देने जा रहे हैं वो आपका टास्क बार में आपका फिट ना रहे, मतलब टास्क बार में पिन आपका नहीं रहे। अगर वो टास्क बार में आपका पिन रहे, अटैच रहेगा, तो आपका शॉर्टकट की कमांड आपका यूज नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, ये चीज प्लस पॉइंट आपके मायने अपना रख लीजिएगा। ठीक है ना, तो क्या करना है, जो भी आप शॉर्टकट की देना चाहते हैं सिर्फ वो केवल वन अल्फाबेट या वन डिजिट को क्या कीजिए, आप प्रेस कीजिए, तो ऑटोमेटिक दो कॉम्बिनेशन की क्या होगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है ना, तो कंट्रोल और अल्ट क्या होगा, दो कॉम्बिनेशन की क्या होगा, इसके साथ ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपका लोड ले लेगा, यानी आप ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो कॉम्बिनेशन की क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो लिंक दिया हुआ है, कीबोर्ड का वीडियो आप जाके देख सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम चाहते हैं इसमें क्या करने के लिए, एम द शॉर्टकट की यूज करने के लिए। तो देखिए एम प्रेस किए तो जैसे ही कंट्रोल अल्ट और क्या हो गया, एम हमारा यहाँ यूज हो चुका है, दिखाई पड़ रहा है ना, कंट्रोल अल्ट एम हमारा शॉर्टकट के रूप में क्या हो चुका, यूज हो चुका है। इसके बाद क्या कर रहे हैं, मुझे अप्लाई पे क्लिक करना होगा और मुझे ओके पे क्लिक करना होगा। तो देखिए मेरा जो शॉर्टकट की है कंट्रोल अल्ट एम क्या हो गया, नोटपैड प्रोग्राम पे क्या हो चुका है, हमारा यूज हो चुका है। तो करेंगे अपने कीबोर्ड का कंट्रोल अल्ट और क्या करेंगे, एम प्रेस करेंगे तो हमारे नोटपैड हमारा क्या हो चुका है, ओपन हो चुका है। तो देखते हैं इस तरह से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो चलिए कोई अदर प्रोग्राम पे और यूज करके देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा चाहते हैं हम एक्सेल पे देना चाहते हैं, तो इसमें क्या करें, राइट क्लिक करेंगे और क्या करें, प्रॉपर्टीज पे चले जाएंगे। तो देख रहे हैं शॉर्टकट की, कोई भी शॉर्टकट की यहाँ प्रेजेंट टाइम में इसमें इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, तो मैं इसको चाहता हूँ कि इसका कंट्रोल अल्ट एन यूज करने के लिए। तो क्या करेंगे, कीबोर्ड का एन प्रेस किए तो देखिए हमारा कंट्रोल अल्ट क्या हो चुका है, एन हो चुका है। ठीक है, और ये चीज माइंड में हमेशा याद रखेगा, कंट्रोल अल्ट अपने कीबोर्ड से टाइप करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ खाली लाज जैसे कि हमारा एन हो, एम हो, ए हो, पी हो, आर हो, जी हो, जी एच हो, जो भी कोई वन डिजिट आप यूज कर सकते हैं, और कंट्रोल अल्ट क्या होगा, ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे और क्या कर देंगे, कंटिन्यू करके क्या कर देंगे, हम कमांड दे देंगे, उसका क्या करेंगे, यस कर देंगे, मतलब परमिशन दे देंगे, और उसका क्या करेंगे, यस कर देंगे, ओके कर देंगे। तो देखिए जो हमारा शॉर्टकट की जो एक्सेल में दिए हैं कंट्रोल अल्ट और क्या जी एन दिए हैं, जो हमारा यहाँ क्या हो चुका है, यूज हुआ है। तो अपने कीबोर्ड का कंट्रोल अल्ट क्या करेंगे, एन प्रेस करेंगे तो देखिए हमारा एक्सेल फाइनली क्या हो चुका है, ओपन हो चुका है। तो इसी तरह यूज कर किसी भी प्रोग्राम को आप शॉर्टकट की के माध्यम से क्या कर सकते हैं, आप ओपन कर सकते हैं।